पंजाब में आटे की किल्लत है, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम फराहमी है, गरीब के पास रोटी नहीं, और वजीर आजम कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहती है कौम पूछ रही है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन की सनत जिन्नात चलाएंगे। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि जब कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज देने का वक्त था तो इमरान साहब लंगर खाने खोल रहे थे। जब लंगर खाने खोलने का टाइम है तो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। मुल्क में रोटी आटा रोजगार नहीं और कोरोना से लोग मर रहे हैं। वजीर आजम से कौम पूछ रही है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन की सनत जिन्नात चलाएंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि लोगों के घर बिजली और गैस के बिल पहुंच रहे हैं, लेकिन रिलीफ का सामान मजदूर दिहाड़ीदार तक क्यों नहीं पहुंच रहा। अवाम भूख और वजीर आजम की अफलास का शिकार हैं। समझ का ये आलम है कि मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की नसीहत आटा चीनी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में आटा और चीनी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। भूख के सताए लोग सड़कों पर हैं। टाइगर फोर्स के सियासी तमाशे बंद करके लोगों को फौरी रिलीफ और राशन पहुँचाने की हिकमत अमली बनाई जाए।